नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। ताजमहल, जी हां, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल। पर तमाम दावों के बीच जयपुर रॉयल फैमिली ने दावा किया है कि ताजमहल उनकी प्रॉपर्टी है। इसी के साथ ताजमहल मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सांसद दिया कुमारी ने ये कहा है, ये दावा किया है कि उनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे दस्तावेज हैं जो ये कहते हैं कि ताजमहल पहले जयपुर के पूर्व राज परिवार का एक पैलेस हुआ करता था जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। और दिया कुमारी ने अपना दर्द भी बयां किया है। उन्होंने ये कहा है कि शाहजहां ने जयपुर परिवार का वो पैलेस और वो जमीन उस समय उनसे ले ली थी जिस समय मुगल सरकार वहां चलती थी, इसलिए उनका कोई विरोध नहीं कर सका। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी सरकार जब किसी भी जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसके बदले में मुआवजा देती है। लेकिन अब अच्छा ये है, ये वो कह रही है दिया, कि ये अच्छा है कि किसी ने आवाज उठाई है कि कोर्ट में एक याचिका दायर है, उससे ये पता चल सकेगा कि जो कमरे इतने सालों से बंद है उनमें आखिर क्या है। और सांसद आगे ये भी कहती हैं कि वो ताजमहल को तोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं कतई चाहती, लेकिन उसके कमरे खोले जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ताजमहल के कुछ कमरे बंद हैं, वहाँ लंबे समय से सील लगी हुई है, निश्चित तौर पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक जांच होनी चाहिए, खोल के देखा जाना चाहिए कि आखिर वहाँ है क्या, क्या है, क्या है सारे फैक्ट्स, वहाँ पे क्यों उन कमरों को बंद किया हुआ है। ये भी पता करना चाहिए कि पहले ताजमहल क्या था, यानी कि ताजमहल से पहले वहाँ पे क्या चीज़ थी। ऐसे में क्या कोर्ट में जयपुर के पूर्व राज परिवार की ओर से जो याचिका है वो भी दायर की जाएगी। इस सवाल पे दिया कहती हैं कि इसमें अभी वो कुछ कह नहीं सकती हैं, कानूनी राय ली जा रही है, देखा जाएगा कि अगला कदम क्या होगा। और सांसद ये भी आगे जोड़ती हैं कि अगर दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी तो उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, उनके पोथीखाना में सब कुछ सुरक्षित रखा हुआ है, तमाम डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ने पे कोर्ट के सामने मुहैया कराए जा सकते हैं। इन कागजात से ये साफ है कि शाहजहां को उस वक्त वो पैलेस पसंद आया तो उन्होंने उसको ले लिया और उसको अधिग्रहित कर लिया। क्या वहाँ पर कोई मंदिर था? इस सवाल पे सांसद दिया कहती हैं कि मैंने अभी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उनके परिवार की है, इतना भर वो जानती है। ताजमहल को लेकर के यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अयोध्या के भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने एक याचिका दायर की है। सिंह ने अपनी याचिका में ताजमहल के उन 22 कमरों को खोल करके देखे जाने की मांग की है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की मांग की है, जो लंबे समय से कमरे बंद हैं वहाँ पे देखा जाए कि आखिर वहाँ क्या है। और उन्होंने ये भी मांग की है कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ और शिलालेख हो सकते हैं, अगर सर्वे में ये सब चीज़ें आती हैं या सर्वे किया जाता है तो ये पता चलेगा कि ताजमहल में हिंदू मूर्तियाँ और शिलालेख हैं या नहीं। अब आपके जहन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि इससे पहले ताजमहल पे क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि 1965 में इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी एक पुस्तक में ये दावा किया था कि राजमहल एक शिव मंदिर है। और 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में ताजमहल को तेजो महालय मंदिर घोषित किए जाने की याचिका दाखिल की गई थी। और 2017 में बीजेपी सांसद विनय कटियार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ताजमहल को तेजो महल घोषित करने की मांग की थी। देखिए, ताजमहल जो है 7 अजूबों में शामिल है, कोई भी उसको शायद से तोड़ना नहीं चाहेगा। जैसे कि दिया ने कहा है कि वो ये नहीं चाहती हैं कि ताजमहल को तोड़ा जाए, लेकिन ये सवाल अपने आप में बहुत जायज है कि जो कमरे इतने सालों से बंद हैं उनको खोल के देखा जाना चाहिए कि उनमें आखिर है क्या। तो ये अब मामला
कोर्ट में है और आज एक नया खुलासा हुआ है कि ये जयपुर के राजघराने की जमीन पर बनाया गया है ताजमहल, जिसको तेजो महल भी कहा जा रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि उन कमरों में क्या है, क्या वहाँ पे सच में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं या कुछ ऐसे दस्तावेज हैं वहाँ जो ये साबित करते हैं कि वहाँ पे पहले शिव मंदिर था या नहीं था। तो दोस्तों, ये था ताजमहल से जुड़ा हुआ कंटेंट। बहुत सारी बातें इस समय ताजमहल को लेकर चल रही हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? और जो सर्वेक्षण टीम है वो सर्वेक्षण करेगी, असलियत तभी पता चलेगी। लेकिन मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और एक बात और, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और ये एक ऐतिहासिक स्थल से जुड़ी हुई वीडियो है, अपने दोस्तों में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।